अंदर तेजी से उसमें पुन्नम में हाँ कब मारो बोले थे बीमारी डाल के मारो बोले चलाओ उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर थोड़ा मत उसको और तेजी जकड़ लो लगा पूरी ताकत जोर से बता चीख मार के कितनी ताकत है तेरी तो जोर से सबको सुने आना और जोर से जोर से पूरी ताकत लगा और जोर से लगा जोर से और जोर से पूरी ताकत तेजी से और जोर से झगड़ो तो नारा को झगड़ लो जोर से तेरे हाथ काट के ले लूंगा मैं अब दोनों भी झगड़ो उसको और से और से सबको सुने आना तेरी ताकत कहां से लाए थे शमशान से कब्रिस्तान से कौन है काफिर जी हूं जोर से बोल काफिर जी हूं जोर से सबको सुने आना ताकत लगा के पूरी हाँ कौन है कौन है काफिर जी हूं कौन है सुने नहीं आ रहा मुझे जिन हूँ सुने नहीं आया मुझे जिन हूँ सुने नहीं आया जिन हूँ जोर से कितने साल से उसकी आंख पे क्या कर रहा था तू उसको मार देने वाला था क्या हेलो हाँ जल्दी बोलो वालेकुम सलाम हाँ जल्दी बोलो हाँ अभी टाई डाल दो बाद में जरूरत पड़ी तो और डालेंगे मुझको भी ठीक है आगे पीछे दोनों तरफ डालते हैं हाँ कौन है रे कौन है जिन हूँ कौन है जिन हूँ जिन इतने हल्लू ने बोलता जोर से बोलता उन्हें सुने आया वजह सुने आया वजह बोल मुझे जल्दी मैं बहुत मारने लगूंगा अच्छा कहाँ से आया था नहीं आया मैं हाँ लाके छोड़े जबरदस्ती ऐसा फंसा दिए थे गुलाब की इसके अंग में नाम मत बोलो लोगों का कौन लाके छोड़े मगर औरत की आदमी था वो जोर से जिन्ना दम से बात नहीं करते जोर से बोल बदतमीज हाँ जोर से औरत की आदमी था ऐसा हरी आ रहा है हाँ जलाओ उसको नाला है जलाओ दे से उसके हाथों में भी आग लगा दो मुझे वो हाथ आना चाहिए उसके दोनों काट के ले लो क्या काट के जकड़ो उसके हाथों को जकड़ लो उसके हाथों को जकड़ो तेजी से हाँ जकड़ लो फिराओ उसके हाथों को फिराओ जकड़ के तोड़ दूं अभी तक कितने लोगों को मारा कितने इंसानों को मारा जोर से बोल पांच बच्चे मारा ओहो कैसे मारा बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके पैदा होने से पहले कैसे मारा पैदा होने से पहले जोर से पैदा होने से पहले और कौन बोल रहा था वो औरत की आदमी था इसके बच्चों को मारा नाम मत बोला अभी मैं नाम नहीं पूछा अगर नाम बोला तो जबान चीर दूंगा तेरी कमबख्त जब मैं नाम पूछूंगा दूसरे चक्कर में जब बताना हाँ बंद रखो उसको और देर से जादू चलाते टाइम पे बच्ची का क्या लेकर गए थे जोर से कितने साल से परेशान कर रहा भाई तीन इसके ना 9 महीने हो गए शादी होके इसके पहले से वो मतलब 4 बार जाहिर हो गया शादी होने के बाद बोल रहा कि इसको बच्चा नहीं होने दूंगा इसके शोहर को ये लायक रखूंगा नहीं कि इसको बच्चा हो सके और इसकी माँ वाली भी बंद कर दूंगा क्या करना था इसको मार के लिए जाकर साथ में तू शादी करना था अरे हाँ
पहले से उसके साथ में तू तू इसको मार के ले जाके तू शादी करने वाला था तेरी दुनिया में कमी पड़ गई जाके तो आदम जातों को लेके जाएगा मार के नारा बदतमीज कभी ने मारो उसको हर मारो मारो उसको खूब मारो उसके अंदर से आग लगाओ तेजी से मार मार के मार दे खूब मारो उसके अंदर से आग लगाओ इससे पहले नाम बताया क्या उन्हें यही बताता पापी उनके नाम पूछ रहा हूँ मैं नाम पूछा सकता हूँ मगर फिर तुम लोगों को नेट पे गए नाम देखो बोला कि तुम लोगों बात बोला नहीं कोई प्रॉब्लम पूछूं चलो सुते बुलाओ बाहर से जंजीरा वालों को बुलाओ तेरे साथ में कुछ कपड़े कराएंगे उसके हाँ बोल अब तेरे पैर काटू क्या तेरे हाथ काट के ले लू क्या काट के लू हाँ क्या काट के लू जल्दी बोल क्या तुझे छोड़ू क्या मार के भस्म करू हाँ बहुत जल्दी कौन थी वो जो बच्ची की आंख में लाके दारी बच्ची की माँ की तरफ की रिश्तेदार है बाप की तरफ की है क्या ससुराल की तरफ की है किधर की है कौन है आग लगाओ उसके अंदर और तेज से आग भड़काओ जलाओ और तेज से जोर से बोल जोर से सुनने नहीं आता मुझे जोर से जिन्नात है ना पूरी ताकत लगा के बोल नहीं सुनने नहीं आ रहा हाँ मार दूं अच्छा बच्ची को किस चीज में खिला के छोड़े पैर की मट्टी क्या पैर की मट्टी पेट की मट्टी पैर सही की पैर की कौन से पैर की सीधा उल्टा सीधा पैर उल्टा कौन लिया था नाम औरत थी आदमी था औरत थी ठीक है चलो उसके हाथ तोड़ने की तैयारी करो नाम नहीं बोल रहा ना भी उसके हाथ तोड़ देंगे अब इससे मर्यादा कैसे हाथ तोड़ के लिया इसकी भी ले बाहर टांग देंगे इसके लिए हाथ तोड़ के लगा दूं फिर नाम बोल जल्दी नाम नहीं बोल बोलना पड़ता नहीं बेअदब बादशाह अक्सा में सब बड़ा ध्यान कर लो सुल्तान का कहर नाजिल हो जाएगा तेरे ऊपर कम बता जल्दी बता नाम हाँ कौन थी वो औरत का नाम ये बच्ची की मायके की थी नहीं। के ससुराल की थी नहीं। बाप के तरफ की थी नहीं। दोस्ताने की थी नहीं। फिर कौन थी जहाँ ये लोग रिहायश पजीरे वही रहती है अच्छा इन लोगों को पता है हाँ। क्या दुश्मनी थी जोर से बोल बावास बुलंद बोल सुल्तान का कहर नाजिल होगा अभी तेरे ऊपर ना लाया मुझे नहीं पता जल्दी नहीं पता जोर से नहीं पता मुझे बोलना पड़ता नाम काट दूंगा दो हिस्सों में ठीक है बुलाओ वायस इसके हाथ का काटने वालों को जंजीरें डाल के इसके हाथों पीछे से बंद होते जिसके साथ में कस के फिर काट के ले लो जकड़ लो उसको और डालो जंजीरा तेज के साथ में और काटने की तैयारी करो हेलो नहीं वो अभी मत डालो वो क्योंकि वकील का दर्द ना उससे हो वो तो सिर्फ डाल के ले गए चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وغندق إنا أسفلت خمس أقيلة إنا ناشيط الله يشير وضم أقبل قيلة إنا لك النهار صباحا طبيلة واذكر اسم ربك وتوطل إليه تبطيلة رب المشرق والمغرب لا عين وعكيلة واغبر على ما يبلون بحاجة جميلة وضغني واشكر دائما إن لدينا كان مجمع كنوز وصد ما ضاق ناجمة يوم طاوع رفضي بارك عن قطب كان وده مفعولا حزيطا إنا حزيطا إنا ربك था जिसने ला के डाला इसके आंग में उसका नाम बोल जल्दी तो पूरी आंग लगाऊंगा और तेजी से एक एक नहीं हाँ। एक नहीं तीन लोग हैं हाँ। तीन है हाँ। तीन है एक लड़का और एक औरत हाँ। जोर से बोल औरत है हाँ। मैं जल रहा हूँ मैं पूरा जला दूंगा देखा ना कौन जलाता तुम अल्लाह के कलाम की ताकत नहीं, है और ऐसी अल्लाह के कलाम पढ़ने वाली जबान भी होना सब जला के राख कर देते फिर ज्यादा होशियार कर हमारे सामने तो बहुत जल्दी जोर से बहुत जोर से औरत की बेटी हाँ नामा बोलूंगी वो एक औरत कौन है वो कौन है जोर से शमीम अच्छा और तौसीफ जोर से तौसीफ सही बोल रहा झूठ बोल रहा सही बोल रहा मैं जल रहा हूँ मैं उसे छोड़ पूरा जला दूंगा मैं पूरा जरा भी बाकी नहीं रखूंगा और उस औरत की बेटी है बुलाऊं बाहर से और फौज को बुलाऊं नहीं 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 कांस का रोड को तोड़ दें हाँ उसकी बेटी क्या नाम है उसका नहीं पता लगाओ उसके अंदर आते हैं साथ में बुलाओ और दिन से बाहर से कितने लोगों को मारा अभी तक इंसानों को सही बोल किसी को नहीं पहला ये थी अच्छा इसको कितने दिन के बाद मारने वाला था दो साल के बाद सुनने नहीं आ रहा मुझे दो साल के बाद कैसा मारने वाला था मर्ज मर्ज कौन सा मर्ज कोई भी मर्ज जिससे इंसान मर जाता है इसके बाद वो किसको मारने वाला था इसके शामिल को कैसा मारने वाला था
कैसे भी मर अस्पताल की एक्सीडेंट करके बीमारी क्या क्या सुसाइड करा के क्या करना था सभी मर अस्पताल पैसा उतराओ तुम बहुत रोते जिसे नहीं नहीं आगे पूरी ताकत लगा नहीं जोर से आदम जात कोई भी मर से मर सकता है पता नहीं है क्या वैसा मान रहा बच्चे नहीं होंगे उसके पूरे मार दे रहा और तू बच्ची के साथ मिल जाना मतलब शादी करना था उसको मार क्या मुझे यही कहा क्या कहा गया यही कहा गया था कि इसे खुश नहीं रखना इसे हमेशा मर्ज पर डाल देना इसके बच्चे मारना इसके शोहर को इस लायक नहीं रखना कि बच्चा हो सके सब हरकतें तू कर रहा था घर में कमाई धमाई उड़ा दिया था घरों पर उड़ा दिया था उनका काम भी चला सब चला तबाही बर्बादी लगा दिया था क्या करना तेरे साथ शुरू हो किसके राज में किसके मनमाने चल रही है कौन था वो और छोकरी कौन थी उसका नाम नहीं बोला तूने उसका भी नाम बोल हाँ औरत का तो बोला लड़की कौन थी वो और से बोलना तब भी बुला रहा हूँ बाहर से पूरा काट दूंगा नहीं नहीं कौन थी वो लड़की नाम बोल उसका जल्दी नहीं तो बुला रहा हूँ मैं कभी सानिया हाँ अब लड़का कौन था वो तौसीफ उनकी माँ कौन थी माँ नहीं है वो हाँ कौन थी दूसरी औरत है कोई तो दुश्मनी क्या थी इसके साथ में लड़की के साथ में उनकी क्या नाम है लड़के का सभा के साथ में क्या दुश्मनी थी उनकी वो लोगों की पता नहीं ऐसा पता नहीं तुझे साईं बोलने का भी आगे तेरे से झगड़ा हो गया नहीं 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 बोल बता रहा है पूरा जला दूँ हाँ बोल जल्दी बोल औरत के साथ ये दुश्मनी थी कि ये लोगों ने वो अच्छा बर्ताव नहीं किए उसे लगता था कि ये लोग उनसे ज्यादा आगे जा रहे हैं उनकी बेटी खूबसूरत है शादी हो चुकी है इसीलिए जलन में किया और वो लड़का और लड़की वो लड़का इसे चाहता था इसलिए वो लड़की के साथ मिलकर जलन में किया ये बच्ची का क्या लेके गए थे जादू चलाते टाइम पे चप्पल में लगी हुई मट्टी जोर से चप्पल में लगी हुई मट्टी और क्या लिए थे बाल वाल से संके क्या बाल लिए जोर से बोल बाल लिए थे तो कहाँ से जादू चला ये सब जाके शमशान से चला कब्रस्तान से चला कब्रस्तान से तुझे पकड़ के लाके छोड़े इस गैंग में तेरा नाम क्या था रे खबीस काफारा कितने सौ साल का है तू कितनी उम्र है तेरी 1500 साल कितनी उम्र है 1500 साल कितनी उम्र है 1500 साल अच्छा इतनी उम्र का है कैसे लोगों के आंखों में उसके परेशान करता भी है हाँ अब कलमा पढ़ अब मुसलमान जिन्नात बन उसके बाद में अल्लाह की इबादत कर तो तेको छोड़ेंगे नहीं तो तेको नहीं छोड़ता मैं तेको पूरा जला के रखता बोल चल मेरा गुलाम बन गुलाम बनना और बाहर खड़ेरना और लोगों की खिदमत करना और जो कोई भी लोग मेरे खिलाफ अल्फाज यूज करे तो घर में जाके हमला करना समझ गया जहाँ पे भी जो भी तेरे दुश्मन मिले उनको पकड़ के वहां नदियों में बॉडी गिरा के मार देना फौरी गाड़ी समेत उनकी बोल मेरे पास आना पसंद करेगा कि जल के आँख होना पसंद करेगा बोल जोर से जलाने की तैयारी आना पसंद कर रहा है जलाने की जोर से बोल मंजूर किसका गुलाम है
किसका गुलाम बन गया तू आवाज से? जोर से बोल। टीपू सुल्तान का। किसका गुलाम है? कल कलमा पढ़ ला इलाहा। कलमा पढ़ जल्दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से मैं मुस्लिम जिन हूँ। जोर से बोल मैं मुस्लिम जिन हूँ। आज से मैं टीपू सुल्तान हजरत की फौज में शामिल हूँ। मैं खिदमत करूँगा लोगों को किसी को जुल्म नहीं दूंगा। आज के बाद जो मेरे दुश्मन वो तेरे दुश्मन, समझ गया ना? और खिदमत खल्क करना लोगों की, और जो भी मेरे बारे में बुरा बोल रहा है या कोई अल्फाज या कुछ भी, और ही उनको जाना मजा चकाना सब लोगों को। और दूसरी बात, लोगों की खिदमत खल्क करना आज के बाद, समझ गा? इधर का गुलाम है तू हुसैन इब्ने अली के, इधर का नाला, समझ गया ना? किसका गुलाम है? तेरा नाम क्या था? काफरा था ना? क्या नाम रखना तेरा? उस रंदे ना के नाम बदलू? नया नाम रखू क्या उस नाम रंदे ने का? उस रंदू नया रखू? नाम बोल रहे हैं तीसरा तेरे नाम आज से अल्ताफ, मोहम्मद अल्ताफ। क्या नाम है तेरे नाम आज से? मोहम्मद अल्ताफ जिन, समझ गया? जोर से बोल क्या नाम है तेरा? मोहम्मद अल्ताफ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अल्ताफ जिन किसका गुलाम? टीपू सुल्तान। चलो ठीक है, बाहर जाओ और खड़े हो जाओ। दोबारा किसी को परेशान नहीं करना। दोबारा अगर मुझे परेशान करता हो दिखे फिर मेरा पूरे तरीके से जलाल नाजिल हो जाएगा। अब तौबा कर, अब बाहर जाके खड़े हो जाओ। दूसरी बात, जब भी मैं आवाज दूंगा और हुक्म की तामील करना। और एक्स्ट्रा में एक वो ड्यूटी दिया गई, जो लोग भी बुरा बोल रहे या कुछ कुछ भी साजिशें कर रहे, फौरी उनके तरफ जाके हमले कराना, समझ गया? गाड़ियों को उठा के नदी में डाल देना, गाड़ियां समेत। क्योंकि वैसे बदमाश लोगों को दुनिया में जीने का इख्तियार नहीं है, समझ गया ना? जो वाजिबुल कत्ल लोग हो जाते हैं उनको फौरी कत्ल कर देना, कैसा भी कत्ल करना, बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके जैसा भी मिला वैसा मौका। क्योंकि जो वाजिबुल कत्ल होते हैं उनको भी कत्ल करना पड़ता, नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह को जवाब देना पड़ता, समझ गया ना? चल जा बाहर खड़े हो जा, छोड़ उसको, बाहर जा खड़े हो। बच्ची के बाद गुलाब लगा के दवा भी निकाल के फेंक देना। शाबाश, जा बाहर जा जा। कहां से आए? जोर से बोलो पूरा। तभी उसमें तो तिरंगा रख के उनको है ना, मतलब इतनी तकलीफ हो रही ना कि अरे पानी पिलाओ, एसी चालू करे, कांच बंद करे, गर्म होता। और ये हाथ है ना यहाँ से इतना बहुत दुखता। जब तक फजर की आजान नहीं होती ना तब तक उसको नींद नहीं आती, चाहे कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी सुनाओ। गर्मा क्या पानी पी रहे हैं? और मेरे सास के घर पे जब भी जाएंगे ना वो तब झाई हो जाता है। और जैसे मेरे घर पे आ जाएंगे ना तो इसको रात में लगी तकलीफ चालू हो जाएगी। क्या
वो जो है दास्तान, वो जिन्नात था, वो रहता, वो तो उतने तक लगे वाला नहीं था, वो लाकर लगाए थे। और लाकर लगाए वो कौन लगाए क्या लगाए मुझे तो पता नहीं, कौन लोग है क्या है, एक जब ना मैं इनको जानता ना उनको जानता, मेरा काम है खाली जो है तो खिदमत खल्क करना, और वो मैं कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से जितना है वो ज़्यादा टाइम देके भी कर रहा हूँ अल्लाह के पूछे, 17-17, 18-18 घंटे कोई नहीं बैठता, कोई नहीं करता, कितना भी बड़ा नौकरी वाला भी था, कोई भी इंसान रहा, कोई भी सर्विसेज वाला रहा, तो उन्हें सिर्फ 6-7 घंटे या 10 से सुबह की 11 से तो शाम के 5 तक रहती है, इसलिए उसमें भी दो बार ब्रेक लेते लो, यहाँ तो ऐसा नहीं, मेरे को 17-17, 18-18 घंटे बढ़ना होता खिदमत करना। फिर उस बाद में ये जो भी सामने आया बयान करा क्या है, तुम लोग देखो, और ऐसा शैतान और जिन्ना जब भी आमने आके बयान करते तो पेशेंट को कुछ मालूम ही नहीं रहता क्या बातें हुई क्या नहीं, उस बाद में पूछते और कुछ याद है क्या तुम्हारे को, क्या हुआ यहाँ सवाल जवाब जोर से बोलो नहीं। अभी यहाँ क्या हुआ अंदर आने के बाद में, ये जंग का अखाड़ा कैसा बन गया था, नीचे मारे इधर क्या हमारा, ये कैसे क्या मैदान कबड्डी का बन गया था, पूरे चदरा इधर उधर हो गए, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ याद नहीं है तुम्हारे को। और दूसरी बात क्या बोलते, तो कुछ नामा निकले उसकी दरबार के हमारे, कुछ नाम निकले लोगों ने, करे क्या करे एक सवाल से लोगों, देखो देखो जो भी है, मगर ऐसा नहीं करना, ला यरहमुल्लाह वल्ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, और तुम अगर ऐसे जादू टोने की जरूरत करोगे तो इतना तो सोचो कि तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि जब पलटाने वाला जब बाप मिल जाता ना सबके तरफ पलटा था तो तुम्हारा तुम्हारे ऊपर आता, जिसने भी अगर जादू टोना जिसने भी करा तो, और रिवर्स आकर क्या करता वो सबको बर्बाद कर देता। और दूसरी बात के बीमारी बार बार पकड़ में नहीं आ रही, समझो अगर स्कैनिंग आ कर रहे, रिपोर्ट निकाल रहे, सब निकाल रहे, एक तजुर्बा दे रहा हूँ, तो समझ जाना वो दूसरी दुनिया के बाहर चल रहे, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया, तुम्हारा दिल निकाल के दूसरा दिल डालते, दिमाग निकाल के डैमेज होगा दूसरा दिमाग डाल दे रहे, इतना बदल दे रहे, इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया, इसी तरफ ही मगर मेडिकल साइंस अभी इधर के दुनिया में एंट्री नहीं मिली ना उसको, अभी अंदर पहुंचे नहीं होने आता, क्योंकि मेडिकल साइंस बॉडी पे बॉडी के ऊपर वो करता हूँ रिसर्च, रूहानियत पे रिसर्च नहीं करता, रूहानियत जो रहती है, रूह जो रहती है, आत्मा जो रहती है इंसान की, उसके ऊपर जादू टोना चलता, जादू टोने की जो दुनिया रहती है, जादू टोने का जो खेल रहता वो जिसम से लेना देना नहीं, तो उनको रूहानियत पे वार रहते हो, तो रूहानियत के वार जिसम को भी सड़ा देते हैं, पूरी रूहानियत को भी बर्बाद कर देते, सुकून बेसुकून कर देते, बेचैन कर देते इंसान को, तो वो सब जादू टोना इस पे चलता है रूहानियत पे। तो बीपी नापने की मशीन है, शुगर नापने की है, स्कैनिंग ये है, वो हर चीज के स्कैनिंग टेस्ट है, मगर सोनोग्राफी सब है, लेकिन रूह को नापने वाली मशीन आज तक नहीं बनी। जिस दिन रूह को स्कैन करने वाली मशीन बन जाएगी उस दिन तुमको समझ में आएगा कि जादू टोना इंसान पे कितने लेवल का है, क्या है क्या नहीं है। बाकी तो अल्लाह सबके हाथ में इख्तियार निकालने के, उसके चुनिंदा बंदे रहते हैं, उनके हाथ से फैज पहुंचाता, क्योंकि अल्लाह जमीन पे आके थोड़ी फैज देगा तुमको, अल्लाह तो जमीन तो देख भी नहीं सकती, अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने से पहले जल के राख हो देंगे, सूरज कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो सूरज के बनाने वाले को क्या बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी बात एक ये भी है अहम, जादूगरों के पास नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, सख्त मना कर दिया ना, तुम्हारे कलाम इलाही दिया है अल्लाह ने, सबसे बड़ी चीज तुम्हारे अजमत रहमत बन के उठ गई अल्लाह की, रूहानियत को गजा इबादत से मिलती, इबादत ज्यादा करो तो वो मजबूत रहेगी, शरीर को खाने से मिल रही, वैसा दवा गोली खा के शरीर राइट कर रहे तुम, तो रूहानी को भी तो राइट करना पड़ेगा ना इबादत करके। और एक बात सबसे अहम कि जादूगर के पास जाएगा वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए, इसलिए सबसे ज्यादा से ज्यादा इबादत करना। और तुम अल्लाह वालों के पास जा सकते हैं, बुजुर्गान दीन के पास जा सकते हैं, दरगाहों पे जा सकते हैं, वहां जाने से मना नहीं, जादूगर काफिर वो लोगों के पास जाने से सख्त मना है, क्योंकि वहां जाने से तुम्हारा ईमान खत्म हो जाता, तबाह बर्बाद हो जाता, और अल्लाह वालों के पास जाने से तुम्हारा ईमान ताजा होता, मजबूत होता, चट्टान के वैसा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ईमान को मजबूत कराते हैं सब बातें बता के, और जादूगर तो तुम्हारे ईमान पूरा तबाह बर्बाद कर देता, दुनिया भी गई आखिरत भी गई, ऐसे हरकतें मत करो मत करो, बस इतना बोलूंगा मैं। और दूसरों के वास्ते खड्डे खोदने वालों जरा ये तो सोचो, तुम्हारे वास्ते भी तो खड्डा खोद जाएगा, दूसरों के वास्ते खोद रहे तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं इतना बताऊंगा, और जादूगरों के पास नहीं जाना, वो उल्टा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते, पैसे की पुजारी रहते वो उलट पिलट सिखा सिखा के वो, और सबसे बढ़िया तुमके पास रहमत और फैज मिल ही नहीं सकता ना, फैज रहमत अजमत अल्लाह की तरफ से बरसती, शैतान के पास कहाँ से आएगा फैज, शैतान वाले और शैतान के लोग कहाँ से तुम आपको राहत दिला सकेंगे, राहत नजात तुमको जब भी मिलेंगे तो अल्लाह की तरफ से मिलेंगे ना, समझे। और भी बहुत कुछ बातें हैं, इंशाल्लाह आकर तुम्हें इतना काफी, चलो हाँ क्या बोलते हैं नहीं ऐसा मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं क्या, अरे उनका बोलो हाँ क्या क्या हो रहा था इनको ना, इनका चैनल भी हाँ अभी इनको ना, जैसे हम लोग घर पे गए ना रात के 12 बज के गए, 12:30 एक बजने को आ गए ना, पूरा गर्म और इतना यहाँ से लेके इतना था, बहुत दुख तक गए सब, जब तक फजर की आदत नहीं होती ना तब तक हाथ दर्द कम नहीं होता, क्यों नींद भी नहीं आती,
फिर जैसे सुबह हो गई ना फिर उसको कुछ समझ में ना आता, वो मेरे से हमेशा झगड़े करने में से अलग होने को देखती। और एक बार जाहिर होकर इसने क्या बोली थी, बोला था ना क्या कि मैं तेरे से इसको अलग कर दूंगा और जिस दिन तू अलग होगा इसके साथ में मैं इसको लेके चले जाऊंगा, तो ऐसा बोला था। फिर बाद में हाजिर होगा जिसके टाइम फिर बोला अभी यहाँ देखे ना क्या क्या बोला। उसके बाद बोला कि ये ऑटोमेटिक छोड़ टच करे बगल निकाला ना, उसको निकालने का तरीका टच कर रहे मार रहे पकड़ रहे जो तो वो थोड़ी इलाज करता, वैसे थोड़ी तरीका करता, इसको बोलते इलाज का तरीका। टच करा मैंने हाथ लगा कितने दूर बिठा के निकाला, तो अल्लाह ने देना पड़ता, अल्लाह ने चुनना पड़ता। अल्लाह जिसको चुनता उसको पूरी दुनिया में लेके नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको पूरी दुनिया में लेके नहीं उठा सकती, समझ गए ना। चलो ठीक है, ओके।